छतरपुर में खेत में खेलता हुआ एक मासूम खुले बोर में गिर गया था, जिसका रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया है। बच्चे को रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर बाहर निकाला गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने 25 फीट गहरा कर सुरंग बनाने की तैयारी भी की थी। राहत की बात ये रही कि 4 साल का मासूम सकुशल निकाल लिया गया। इस घटना के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मासूम और उसकी माँ से चर्चा कर सभी जरूरी सुविधा दिलाने का वादा किया है। उधर 18 साल से एमपी में बीजेपी की सरकार है। इस बीच सरकार ने कई सारे एग्जाम करवाए और करोड़ों रुपए का राजस्व भी फीस के तौर पर वसूला, लेकिन नौकरियां देने के मामले में सरकार का हाथ तंग रहा। कांग्रेस ने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उधर ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा नदी में फ्लोटिंग प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने कंपन के साथ करार किया है। पहले दौर में 267 मेगावाट उत्पादन के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी के कांग्रेस पर बयान के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और ओबीसी दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीती रात छतरपुर के एक गांव में खेत के समीप खुले बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को सुरक्षित निकाल लिया है। तेज बारिश और मौसम की बाधा के बावजूद एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में 25 फीट की गहराई में फंसे 4 साल के मासूम को सुरक्षित निकाला। इस दौरान बच्चे से कैमरा लगाकर हौसला अफजाई की गई तो ऑक्सीजन समेत तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने मौजूद कराई। बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल करके बच्चे की माँ से चर्चा कर अच्छे इलाज की व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया। हाँ नमस्कार, चलो एक तो बहुत बधाई बेटा, बहुत सुरक्षित निकल गया। आपको, पूरी टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, आर्मी के मित्रों को, प्रशासन को, सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ माँ से बात कर। नमस्ते बहन जी, बेटा ठीक से निकल गया? हाँ ये दिख रहा है मुझे, बेटा ठीक हो? निकल गया है बेटा, कह रहा है मामा निकल गया है। बहुत अच्छे बेटा, अब अच्छे से इलाज हो जाएगा तुम्हारा। मिलोगे? हाँ जरूर मिलेंगे बेटा, मैं जरूर मिलूंगा। उधर मध्य प्रदेश में बीते 18 साल से भाजपा की सरकार है। इस बीच व्यापम और बाद में पीईबी के जरिए कई सारे एग्जाम रोजगार देने के लिए कराए गए, लेकिन जितने पद थे उसके मुकाबले कुछ ही युवाओं को रोजगार मिल पाया है। कांग्रेस ने इसी को देखते हुए सरकार से युवाओं को नौकरी देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के शासकीय विभागों में कई सारे पद खाली हैं, जिन्हें भरने की बजाय सरकार बेरोजगारों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने का काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में 40,000 पद खाली पड़े हैं। चयनित शिक्षकों के मामले में आरक्षण को आधार बनाया जा रहा है, जबकि 90,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। कांस्टेबल भर्ती के लिए 4,000 पदों के लिए 12 लाख आवेदन आए, तो समझा जा सकता है सरकार ने किस तरह से परीक्षा भर्ती को धंधा बना लिया है। मध्य प्रदेश में 35 लाख शिक्षित बेरोजगार अलग अलग रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम पर सरकार केवल राजनीति कर रही है और उन्हें धोखा दे रही है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार तत्काल श्वेत पत्र लाए कि 18 सालों में कितनी भर्तियां की गई हैं और 18 सालों में भर्तियों के नाम पर कितनी परीक्षा शुल्क भाजपा सरकार द्वारा वसूला गया है। हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि तनख्वाह से भी ज़्यादा शुल्क वसूल लिया गया है भाजपा सरकार में। ओमकारेश्वर में जल्द ही 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार पहले चरण में 267 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। विभागीय प्रमुख सचिव संजय दुबे की माने तो नर्मदा नदी पर लगाए जाने वाला ये प्लांट अपने आप में अनूठा होने के साथ बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा। और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जी के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। तो इस कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आज हम LOA जारी कर रहे हैं, और इसके बाद जो अगला चरण होगा वो PPA साइन करने का होगा। हम लोगों ने 7 दिन का समय कंपनीज को दिया है कि वो अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करके PPA साइन करेंगे, और PPA साइन करते वक्त हमारी प्रयास रहेगा कि हम एक वृहद कार्यक्रम करें, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि मध्य प्रदेश ने जो बहुत ही आकांक्षी कदम उठाया है, जो आत्मनिर्भर होने का कदम उठाया है, और जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सौर ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम नए सोपान हमेशा गढ़ते रहे हैं, उसको हम निरंतर बनाए रखें और अन्य राज्यों के लिए एक चुनौती और उदाहरण प्रस्तुत करते रहें
कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उधर भोपाल प्रवास पर आए असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को खत्म करने का जो बयान दिया था उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन आया है। मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता के सामने टिक नहीं पाते। ये सबरे आएंगे और ये चुनावी पर्यटन करके चले जाएंगे, हाथ में इनके कुछ नहीं आएगा मित्र, परिणाम आने के बाद अपन बता देंगे आप। देखो वो दोनों ही व्यक्ति कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं, आखिर में एक कोण पर जाके दोनों मिल जाते हैं, इसलिए उन दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं।